Eggless lemon cake. This is one of my most favorite cake to have it with tea or coffee. मुझे तो वैसे कॉफी के साथ पसंद है, पर आप इसके मजे चाय के साथ भी ले सकते हो. It is very, very, very easy to make and it is super spongy and super refreshing as well. सबसे पहले एक बोल में दही लेना है और उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे एंड वी जस्ट हैव टू बीट इट प्रॉपरली. नाउ वी विल ऐड वेनिला एसेंस एंड सम येलो फूड कलर एंड लॉट्स ऑफ लेमन जेस्ट फॉर द फ्लेवर. व्हेनेवर यू आर मेकिंग केक ऑलवेज ऐड अ फ्लेवर विद द फैट, बिकॉज फैट जो है वो फ्लेवर को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करता है. नाउ आई एम एडिंग इन आइसिंग शुगर. इफ यू डोंट हैव आइसिंग शुगर देन यू कैन इवन यूज पाउडर्ड शुगर. नाउ वी विल ऐड इन ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स. सो वी विल ऐड मैदा, baking powder, baking soda and we will sieve it properly taki isme koi bhi lumps ho to wo na aaye. Now add some milk. Make sure that milk has to be on room temperature and you can see the consistency of loaf cake and you can see the consistency ke dropping consistency ka batter hona chahiye aur last mein lemon juice dal ke aur thoda flavor ko strong karenge. And now finally we have to bake it. So loaf tin को मैंने नीचे से oil से grease करके उसके ऊपर butter paper लगा दिया है. And now I am pouring it all the batter. और अभी उसमें सारा batter डाल के उसको preheated oven में 180 degrees पे almost 30 to 35 minutes तक उसे bake करना है. जब तक केक बेक हो रहा है तब तक उसका ऊपर का glaze बना देंगे. इसके लिए icing sugar लेना है और थोड़ा सा ठंडा दूध लेना है. मेक श्योर कि जब भी आप ग्लेज बनाते हो तो उसमें ठंडे दूध का ही यूज करना है और ऊपर से लेमन जेस्ट डालेंगे जस्ट टू गिव द फ्लेवर. और फाइनली मेरा जो लोफ है वो बहुत अच्छे से बेक हो रहा है. जब ये बेक हो जाए तब उसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आने देना है. एंड वंस इट कम्स ऑन द रूम टेम्परेचर उसके ऊपर ग्लेज डाल के उसका स्लाइस करके यू कैन सर्व इट. यू कैन सी लोफ जो है वो कितना स्पॉन्जी है और कितना एरी है. और इसे आप स्टोर भी कर सकते हो. इट कैन स्टे फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज. एंजॉय.